bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को एनडीए गठबंधन की नई सरकार के 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने हैं। 9 जून को हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद बीजेपी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय अपने पास रखा है। किसके खाते में कौन सा मंत्रालय गया है उसकी पूरी लिस्ट आ गई है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बात करें तो अमित शाह जी हाँ, पिछले बार गृह मंत्री होम मिनिस्टर ही संभाल रहे थे और इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह को ही मिला हुआ है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभाल रहे थे, इस बार भी राजनाथ को वही जिम्मेदारी दी गई है। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, वो एक बार फिर से विदेश मंत्रालय बनाए गए हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय थे और इस बार भी उनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री मिला है। अश्विनी वैष्णव जी हाँ, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्रालय उनको दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उनको दिया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण पिछले साल भी थी और इस बाल भी उनको वित्त मंत्रालय ही दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया जो पिछले बार हेल्थ मिनिस्टर थे उनको इस बार श्रम मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन एक बार फिर से जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान पर नजर थी, उनको क्या मिलेगा, तो चिराग पासवान को खेल मंत्रालय मिला है। जी हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी चिराग पासवान संभालने वाले हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर जो खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय होता है, जो उनके पिता जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो भी उनको एक बार मिला है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्यकालय मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है। अन्नपूर्णा देवी को महिला विकास मंत्री, राममोहन नायडू को उद्यान मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष संभाल रहे थे। पोर्ट शिपिंग मंत्रालय भी संभाल रहे थे, इस बार उनको एक जिम्मेदारी पोर्ट शिपिंग की दी गई है। शांतनु ठाकुर पोर्ट शिपिंग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग संभाल रहे थे, इस बार उनको पेट्रोलियम मंत्रालय बनाया गया है। रवनीत बिट्टू जो पंजाब के महज एक मंत्री हैं, जो चुनाव हार गए इसके बावजूद भी उनको बनाया गया है, तो उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दिया गया है। एचडी कुमार स्वामी जी हाँ, एचडी कुमार स्वामी जो है मुख्यमंत्री थे, इस बार पीएम मोदी के साथ आ गए थे, उनको भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो बिहार जाते हैं, उनको कपड़ा मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले बार जो है वो मंत्री थे, उड्डयन मंत्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन सेक्टर को संभाल रहे थे, इस बार उनको दूर संचार विभाग दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। मेघवाल को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ यानी कानून मंत्री थे, इस बार भी अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा लल्लन सिंह बिहार के सबसे प्रचलित नाम, नीतीश कुमार ने इनको जिम्मेदारी दिया है, इस बार उनको पंचायती राज कल्याण मंत्रालय और मछली एवं पशुपालन डेयरी उद्योग दिया गया है। गिरिराज सिंह के मंत्रालय को भी लल्लन सिंह को दे दिया गया है, तो लल्लन सिंह को जो है यहाँ पर 3 विभाग दिया गया है, पंचायती राज कल्याण मंत्रालय, मछली एवं पशुपालन और डेयरी उद्योग दिया गया है। तो बड़ी खबर ये तमाम जानकारियां, बाकी कई सारे ऐसे पोस्ट है जो रिपीटेड है, बाकी इस खबर को लेकर अपनी राय बताइएगा, ठीक है।